हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत हेल्दी येट डिलीशियस सैंडविच रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं इसे बहुत टाइम से बनाती आ रही हूँ एंड विदाउट एनी डाउट आई कैन से दैट दिस टेस्ट सुपर्ब। सो इवनिंग्स में इंस्टेड ऑफ हैविंग बाहर का जंक, आप ये क्विक सैंडविच बना सकते हो। ये यम तो है ही, साथ में गिल्ट फ्री भी है। आप इसे अपनी इवनिंग मसाला चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो एंड इट टेस्ट बेस्ट विद गुड ओल्ड ग्रीन चटनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हम लेंगे चॉप्ड कैप्सिकम, अनियन, स्वीट कॉर्न्स, क्यूकम्बर, सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड हंकर्ड। हंकर्ड बनाने के लिए आप 2 कप कर्ड को मसलिन क्लॉथ में डाल के फ्रिज में रख दीजिए ओवरनाइट सेट होने के लिए। इसी के साथ हम पेपर और रेड चिली फ्लेक्स भी ले लेंगे। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम एक बोल में डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये सैंडविच रेसिपी को कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक यूजिंग एनी वेजिटेबल ऑफ योर ओन चॉइस, लाइक कैरेट्स और टोमेटोज। आप कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज कर सकते हो। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद आप होल व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ किया है। इसमें आप इस मिक्सचर को लगाइए और इवनली स्प्रेड कर दीजिए। मेक श्योर आप ज़्यादा फिलिंग यूज़ कीजिए, क्योंकि वाई नॉट। अब इसे दूसरे ब्रेड स्लाइस के साथ कवर कर देंगे। आप इसे एज इट इज़ भी खा सकते हो, लेकिन थोड़ा क्रिस्प करने के बाद ये और भी डिलीशियस लगता है। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे पैन रख दिया है। आप इसे सैंडविच ग्रिलर में भी कर सकते हो। सबके पास पैन अवेलेबल रहता है, इसलिए मैं पैन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर यूज़ किया है, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम इसके ऊपर सैंडविच को रोस्ट होने के लिए रख देंगे। एक साइड कुक हो चुका है, तो अब मैं दूसरी साइड पे थोड़ा बटर लगा रही हूँ और इसको टर्न कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इसे बना रहे हो, आप इसको जेंटली प्रेस कर दीजिए। उससे होगा क्या, ये बिखरेगा नहीं। तो ये एक साइड से हो चुका है, दूसरे साइड से भी हो चुका है और अब हम इसे प्लेट कर लेंगे एंड इट्स डन। तो गाइज, मैं अपने ऑफिस लंच बॉक्स में इसको हफ्ते में 1-2 बार तो लेके जाती ही हूँ एंड ऑनेस्टली ये बहुत डिलीशियस लगता है। आप इसको इवनिंग स्नैक्स या इवन ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। इसमें और कोई अनहेल्दी फीलिंग नहीं है। इट्स योर गुड ओल्ड योगर्ट, जो वैसे भी हमारी गट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें और इसके साथ चाय, कॉफ़ी, जो भी आप इंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। So guys, if you really like this video, first of all, thank you for watching and do share, like and subscribe to my channel. Goodbye.